ओम अज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम क्या हो नहीं रहा हो गया सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया है, क्या साधु संघ की सर्वक्षण करणीय, इसका मतलब है क्या क्या साधु संघ हर समय करनी चाहिए ना कभी कभी करनी चाहिए, किसने ये प्रश्न किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं सर्वक्षण साधु संघे थाकित है वे, हर समय साधु संघ में हर समय रहना पड़ेगा है। इसलिए कहते साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लब मात्र साधु संघ सर्वसिद्ध। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताए साधु संघ सब शास्त्र में कहता है हर समय साधु संघ करो। हाँ, अगर एक लव अगर जीवन में साधु संघ हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगी तुम्हारी। एक लव कितना, मतलब एक सेकंड वो ग्यारह भाग करो, ग्यारह भाग का जो एकमा भाग तो एक लव कहते हैं। कहते हैं इतने संघ में जीव का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए साधु संघ की क्या जरूरत है, कोई प्रश्न करेगा भैया साधु संघ की क्या जरूरत है। इसलिए श्री भक्तिमन ठाकुर कहते हैं बोले एकाकिया मार नहीं पाए बाल हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धर। भक्तिमन ठाकुर कहते हैं एकाकिया मार नहीं पाए बाल, प्रभु जब हम अकेले होते हैं ना प्रभु हमारी बल नहीं मिलता है भजन करने के लिए, इसलिए आप कृपा करके हमें भक्तों का संघ को प्रदान करो। भक्त संघ महाप्रभु कहते जैसे गमला में एक पौधा लगाए, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, देना एक दिन पानी नहीं दोगे ना दूसरे दिन सूख जाती है, दूसरे दिन सूख जाती है। कहते एक दिन ही अगर हम साधु संघ से दूर रहे भक्ति से दूर रहे ना दूसरे दिन तक हम सूख जाएंगे। इसलिए बोले दो तरह का वृक्ष होता है, एक तो होता है जो छोटा पौधा होता है, दूसरा वृक्ष होता है जो छोटा पौधा जब लगाते हैं रोज रोज पानी देना पड़ता है, लेकिन वही पौधा बढ़ते 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 जब बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है एकदम उसका जड़ नीचे पहुंच जाती है, वो क्या करती है फिर नीचे से पानियों को अपने आप ले लेती है, फिर उसी समय उसमें पानी देने का जरूरत नहीं। लेकिन वो स्थिति कब होगा, कहते तो स्थिति कब होगा, अभी नहीं होगा, जब हमारे अंदर रुचि निष्ठा आ जाएगी, रुचि निष्ठा आ जाएगी फिर जा कर के हम कहीं अकेले भजन कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे देखो मंदिर में हैं, जब मंदिर में रहते हैं वैष्णव लोग एक साथ में रहते हैं चार बजे वहाँ पर जाते हैं, उठ करके नहा धो करके मंगलारती कितना बजे होती है, पाँच साढ़े छः पाँच बजे मंगलारती है, उससे पहले नहा धो करके तिलक तिलक लगा करके रेडी हो जाते हैं। तो वैष्णव का संघ का कितना महत्व है, हाँ आ करके अपना आने तिलक करके फिर साधु संघ में आरती होती है, उसके बाद में बैठ करके गुरु मंत्र जप करते हैं, फिर बैठ करके मंत्री में हरिनाम करते हैं एक घंटा हरिनाम करते हैं, उसके बाद में फिर कीर्तन में बैठते हैं, फिर कीर्तन के बाद में फिर एक घंटा क्लास होती है, फिर वहाँ पर श्लोक याद करते हैं,
देखो वैष्णव को साथ में रहने पर अपने आप उठ जाना, अपने आप कीर्तन, अपने आप भजन हो जाते हैं, लेकिन जब आप अकेले हो जाते हैं ना फिर तो चीज़ छूट जाती है, भक्तों का संग करे छूट जाते हैं। सो रहो तो सोते रहो, कौन ठीक है सो जाओ, कभी तो बोलने वाले नहीं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे एकदम हैं कोई बोलने वाले नहीं, इसलिए लेकिन जब वैष्णव का संगत में रहेंगे क्या होगा, नहीं कभी कभी कहते ना एक को देख कर दूसरे भी उठ जाते हैं, अगर अकेले रहो तो फिर छोड़ दो भजन, भजन हो गया तुम्हारा, फिर तो सोते रहो तो सोते पूरा सोते रहो तो अकेले रहो, क्योंकि जो बोलने वाले नहीं है ना, और हम बद्ध जीव है, अभी हम इतने बड़े पौधा नहीं हुए हैं, जो छोटे पौधा है रोज रोज पानी की जरूरत है। अब देखो एक दिन ही अगर घर में झाड़ू बुहारी मत लगाओ, एक दिन दूसरे दिन ही गंदा, दूसरे दिन ही गंदा, एक उदाहरण दिया कि एक होता है एक घर है, घर में उसमें चार तरफ में एक प्राचीर बना हुआ है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी बाहर में जा रहे हो, उसमें ताला बंद करके गए हो, और एक घर है जिसमें एक दरवान को रख कर गए, बताओ दोनों में सेव कौन रहेगा, जिसमें दरवान रखा हुआ है, भले तुम्हारे जितने बड़े दीवार क्यों नहीं हो, जितना बड़ा ताला क्यों नहीं हो, उसको काट करके अंदर घुस सकते, चोरी कर सकता है, अगर कोई दरवान रह रहा है ना वो आपका घर, आपको पता है दरवान है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई नहीं आएगा वहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि उसी तरह दरवान क्या मतलब उसको कोई देखने वाला, वो क्या बोले साधु वैष्णव हैं, कहते साधु और वैष्णव, अगर उसमें दरवान कोई हम देखने वाले हो ना, कोई वैष्णव है, फिर तो समझो हम सबके एकदम सेफ रहे, एकदम सेफ रहेंगे। क्या क्या कभी कभी क्या क्या होता है, अकेले रहो ना, देखना तुम्हारी माइंड में जितनी सारी गंदी चीज़ें आएगी, सारी उल्टा पुल्टा चीज़ें आएगी, और कोई गंदी चीज़ करने के लिए जाओ ना कुछ बोलने वाले नहीं, अब आसानी से गंदी काम कर लो, लेकिन जब वैष्णव के हाथ में रहोगे ना, हजार बार सोचना पड़ेगा नहीं पर कोई गलती करेंगे तो वैष्णव लोग टोकेंगे, भैया क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम्हारी, हठात टोकेंगे वो लोग, जब टोकेंगे ना फिर वो गंदी चीज़ में हम हमारी नहीं जाएगी, क्योंकि हम वैष्णव को साथ में रहे, भक्तों को साथ में रहे, और थोड़ी अगर हमसे उच्च वैष्णव को साथ में रहे, इसलिए बताया आपसे नीचे व्यक्ति को साथ में मत रहा, आपका आप जितने आपका भक्ति में जितना आपका प्रोग्रेस है उससे नीचे व्यक्ति के साथ मत रहो, फिर नीचे उतरने जाओ, हैं ऐसे व्यक्ति को साथ दिन भर खा रहे पढ़ रहे उल्टा पुल्टा दिन भर बात कर रहे हैं, जो भक्ति से फिर क्या होगा, अब भी उसमें धीरे 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 भले ही आप ऊँचे हो लेकिन आपका अगर इतना बड़ा वैष्णव नहीं जो जड़ नीचे चला गया पानी खुद ले सकते हो, अभी हमारी अगर स्थिति नहीं होगी ना, हम अगर नीचे व्यक्ति से रहेगी जो उल्टा पुल्टा दिन भर विषय की बात करते बस हम भी उसमें रम जाएंगे, हम उसमें रम जाएंगे, इसलिए बोले कम से कम कोशिश करो तुम्हारी जो सिचुएशन है कम से कम इतना तक हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमसे थोड़ी जो बड़े, हमसे जो साधन भजन से तो बड़े हैं उनको साथ में रह पर ज़्यादा लाभ, क्योंकि हमारे स्वभाव ना बड़े व्यक्ति को देखेंगे हरिनाम कर रहे भक्ति कर रहे इधर उधर बात नहीं करते, देख देख क्या होगा उसे सीखेंगे हैं सीखेंगे, अगर कभी कभी अब से नीचे व्यक्ति का संग कभी नहीं करनी चाहिए हैं नहीं करनी चाहिए, इसलिए बगैर साधु संग के देखो ध्रुव जी को भगवत दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान बोले वर मांगो, क्या मांगता है साधु संग, भगवान के संग नहीं मांगे, बोले प्रभु आपका भक्तों का संग मांगो, बोले क्यों भक्तों संग क्यों मांगते हो, बोले उनके मुखार विंद में आपकी कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है हर समय हैं बहती, अगर उनका संग करेंगे तो क्या होगा, उनसे कथा सुनते सुनते हमारे मन अपने आप भजन में लग जाएगा, भजन में लग जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले ज्ञानी प्रयास मुद्भाष नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंगवती वार्ता, कहते यहाँ पर ब्रह्मा जी करे बोले प्रभु अजीत जीत अभी इस तरह लोग क्या कहते, आपका नाम अजीत है आपको तो पाना बड़ा कठिन लेकिन उसको जीत कैसे सकते हो, ऐसे जो भगवान हाँ जिनको पाना कठिन उनको कैसे पा सकते हो, ब्रह्मा कहते सारे ज्ञान का प्रयास छोड़ करके हैं सारे ज्ञान के प्रयास छोड़ करके सारे अभिमान को छोड़ करके क्या करो, बोले सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता, आपका भक्तों का संग करो और उनके मुखार बिंद में आपकी जो कथा रूपी मंदाकिनी नदी बहती है, बोले भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब वहाँ पर दो बात बताए,
एक तो भगवान और उनका भक्त, एक भगवान भवदीय मतलब आपका जो अत्यंत प्रिय जो भक्त है, आपकी और आपका भक्तों का संग करनी चाहिए है। सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, बल्कि कैसे लिकाय मन और भाग्य तीनों को द्वारा भक्तों का संग करो। लिकाय, काय मतलब शरीर, बोले कथा तो कान से सुनते हैं, मन से कहते शरीर से सुनना मतलब क्या है, बोले शरीर से कथा सुनो, बोले शरीर से कथा सुनना मतलब क्या है, इसका मतलब है जहाँ पर साधु संग हरि कथा हो रही है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर सबसे पहले जा कर के उस स्थान को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो, जो कथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, सबको जा कर वहाँ प्रणाम करो। प्रणाम करके कहाँ जैसे तन बांग, बांग मतलब वाणी, भले वाणी से कैसे कथा सुने, भले जो कथा सुनते हो वो कथा को दूसरों को सुना, सुन करके अपना सीमित मत रखो, वो कथा को दूसरों को बांटो, जितना सुने उतना दूसरों को भी बुलाओ बोलो। श्री तन बांग मनो भी, और मन से तो कथा सुननी चाहिए, अगर मन से नहीं सुनोगे तो कथा सुनना ही नहीं सोचो, इसलिए मन तो होनी चाहिए। तन बांग मनो भी, इसलिए जो स्थाने स्थिता कहते स्थान स्थितांग मतलब क्या है, उसमें दो अर्थ बताए। कभी कभी किसको बोलो ना भैया भक्ति करो, बोले अभी बच्चे को बड़ा करना है, अभी बच्चे का नौकरी चाकरी हुई नहीं, बच्चों का शादी शुदा हुआ नहीं, जब घर का सारे काम हमारे खत्म हो जाएगा ना तब तो भक्ति करेंगे, अभी से क्या भक्ति करेंगे, बच्चों को पढ़ाना दिखाना सब। कहते भैया अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या करो, बच्चों को देखना हो गया कि नहीं, अरे हो गया देख लो बच्चों को, ऐसे कुछ व्यक्ति आधा उम्र में खत्म हो जाती है पर बच्चों को कौन देखते हैं, देखने वाले कौन, बच्चों देखने वाले तो वही है। अभी हम कथा इसमें वीडियो में देख रहे थे, शायद एक नाथ का कथा ना किसका, ज्ञानेश्वर का, हाँ उसको पिता बात, उसको तीन लड़के एक लड़की है, उनको जब ऊपर ने संस्कार नहीं दे रहे थे, बच्चों को नहीं दे रहे थे वो व्यक्ति का बच्चों को, तो उन्होंने बोले अरे नहीं तुम ब्राह्मण घर के नहीं, तुम निकृष्ट जाति के हो, हम तुम्हारे बच्चों को नहीं देंगे। उन्होंने बोले, उन्होंने सोचा अगर हम प्राण त्याग दे देंगे ना फिर हमारे बच्चों को दे सकते हैं। बोले भैया बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे, हाँ बच्चे तो छोटे हैं, फिर उनको देखेगा कौन, हाँ उनको देखेगा कौन। बोले भैया देखने वाले ठाकुर ही, हम नहीं देख सकते, हम सोचते हैं हम देखेंगे लेकिन देखने वाले तो ठाकुर ही देखेंगे, हैं भगवान ठाकुर ही देखेंगे। उन्होंने प्राण त्याग किया, तीनों बच्चों बढ़िया हो गए, बढ़िया निकले बच्चे, हैं भगवान के भक्त बन गए, सबके सब भगवान के, सबके सब भगवान के भक्त बन गए, ठाकुर का भक्त बन गए। इसलिए देखने वाले ठाकुर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम, इसलिए स्थाने स्थिता है, भगवान जिस अवस्था में रहे रखे हो, रखे ठाकुर जिस अवस्था में तुम्हें, उसको समझो जीवन का सबसे बढ़िया वही स्थिति है, सबसे बढ़िया वही स्थिति समझ करके भगवान का भजन करते रहो। आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगी भगवान की कृपा से, भजन करने से आएगी, बिना भजन किए हुए प्रहलाद महाराज बच्चों के बोले बच्चों भगवान की भक्ति को द्वारा जितने हैं जितने तुम्हें सुख सुविधा मिलेगा शांति मिलेगा, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय को द्वारा तुम शांति सुख मंगल नहीं हो सकती, केवल भगवान की भक्ति से ही हो सकती है। इसलिए बच्चों भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान की भजन है, इसलिए ये एक दूसरी अर्थ कहते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर स्थाने स्थिता मतलब स्थान पर रहकर, बोले कहाँ रहकर भक्ति करनी चाहिए, बोले वहीं रहो जहाँ पर तुम्हारी कथा रूपी मंदाकिनी नदी बह रही, मतलब संतों की चरण में रहो, और वहाँ पर ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा घूमो मत, मना कर दिया, ज़्यादा घूमने का जरूरत नहीं, क्योंकि आज वहाँ गए तो सुने कल वहाँ जानी चाहिए, वहाँ नहीं गए वहाँ पर जानी चाहिए, अभी तो वो बाकी रह गया, बस अगर घूमने का तुम्हारी ये आदत बन गई ना फिर तो घूमते रहोगे, फिर तो मन तुम्हारे कहीं स्थिर नहीं हो, मन कहीं तुम्हारी स्थिर नहीं होगी, यहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ से वहाँ जाओगे, ऐसे ऐसे भटकते रहोगे, हाँ भवघ्र बन जाओगे। इसलिए स्थानीय स्थिता मतलब है जहाँ पर तुम्हारी कथा रूपी नदी मंदाकिनी की नदी जहाँ बह रही है वहीं पर ही रहो, उधर उधर जाते जाने के लिए मना किया है, हैं कथा रूपी गंगा में गोता लगाते रहोगे तो बस जथाए वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। कहते वृंदावन कहाँ पर, जहाँ पर वैष्णव लोग वहीं पर वृंदावन, बोले गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, हैं गिरिराज गोवर्धन कहाँ भूमि वृंदावन कहाँ, बोले
प्रकट ने साक्षात दलादिनी जहाँ पर भगवान के भक्त रह करके भगवत कथा चर्च कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जेखाने हरि कथा सेखाने तीर्थ, जहाँ पर हरि कथा वही ही तीर्थ है, इसलिए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा है, कथा रूपी नदी में अगर गोता लगा रहे हो ना है गोता, बोले सब तीर्थ वही पर है जहाँ पर, इसलिए हमारे जितने गुरुवर्ग हो गए ना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है धाम में वास करते हुए, जैसे मेरे गुरुदेव धाम बैठे एक नवद्वीप में महापुरुष धाम में, एक पुरी में, एक कलकत्ता में, लेकिन गुरुदेव कलकत्ता में 10 महीना रहते और नवद्वीप में 1 महीना वहाँ पर जाकर रहते थे, कार्तिक महीना में रथ यात्रा में पुरी में आते थे केवल 1 महीना के लिए रहते थे कलकत्ता में। पूछे भैया आप धाम में नहीं रहकर कलकत्ता कली का जगह में क्यों रह रहे हो, बोले यहीं पर ग्रंथ प्रकाश हो रहे हैं, यहीं पर महापुरुष सेवा हो रही है, यहीं पर प्रचार हो रहा है, महापुरुष का भक्ति सेवा यहीं पर हो रहा है, इसलिए जहाँ पर महापुरुष कथा सेवा महापुरुष का प्रचार हो बस वहीं पर ही गुरुवर्ग उसको ही वृंदावन मानते हैं, इसलिए वहीं पर ज़्यादा प्रभुपाद देखो शरीर वहीं पर चढ़े प्रभुपाद, भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ, सारे सारे गुरुवर्ग देखो ना उसको कलकत्ता में शरीर छोड़े, लेकिन वहीं पर महापुरुष का भक्ति पूजा जहाँ पर जखाने वैष्णव कर सिखाने, हाँ भक्तमोहन ठाकुर कहते हैं ना जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाय, हाँ जे दिन गृह भजन देखी, जिस दिन अपना घर में भगवान के भजन पूजा पाठ हो वही घर है तुम्हारी वृंदावन, वही घर तुम्हारी वृंदावन, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं सब समय में साधु के साथ में रहना पड़ेगा, साधु संग क्या है तुमको घेरा रूप में साधु संगीत में रक्षा करेगा, जो साधु संग से अलग हो जाओगे फिर तो माया छटक होगी, माया अकेले तुम अपने आप रक्षा नहीं कर सकते हो, फिर माया उसको झट उसको माया पकड़ लेगा है, इसलिए कहते सब समय में साधु संग में रहना पड़ेगा, सत्संग व्यतीत दुर्बल आमी किचु ते ही बाँचते पारबो ना, कहते साधु संग बगैर हम बड़े ही दुर्बल है, बड़े दुर्बल हम लोग हैं, इसलिए माया से फिर हम बच नहीं आएगी, जब भक्तों के साथ में रहेंगी कीर्तन कथा हरि कथा में तब हम माया से हम बच सकते हैं, सत्संग थे के तफात होए थाकले हमारे प्रभु होवार दुर्बला शिवे, जब हम साधु संग से अलग रहने के लिए कोशिश करेंगे हमारी मानी की बुद्धि क्या आएगा हम प्रभु भोग करता हमें, लेकिन जब भक्तों के साथ में रहेंगे क्या समझेंगे नहीं ठाकुर का सेवा करनी चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अलग होते ही स्वयं कर्ता मान बैठोगे, स्वयं भोग करता, भोग करना मतलब कि हम स्वयं कर्ता बनेंगे मालिक बनेंगे, भोग करने की हमारे अंदर में वृत्ति आएगी, जब हम साधु संग से अलग हो जाएंगे, दुर्बल आश्वे सब समय साधु गुरु आज्ञानुवर्ती ना था के लिए विपद पड़ते पड़े जेते हवे, जब हम साधु गुरु वैष्णव का अनुगत्य नहीं करेंगे उनकी आज्ञा को अनुवृत्त नहीं रखे क्या होगा, कहते भैया हाँ ताकि विपद पड़ जाते जाते हवे तुम विपद में पड़ जाओगे है, हमारे जीवन में विपत्ति जीवन में आ जाएगी, तो साधु संग रहेंगे हमें विपत्तियों से हमें रक्षा करेंगे, निराश रहे हले ही माया अमादिग के धरवे है, जब हमारे कोई आश्रय नहीं रहेगा ना बस माया तो मुँह खोल कर बैठी हुई फिर तू झट तुम्हें पकड़ लेगा, तुम झट माया पकड़ लेगा, फिर जब वैष्णव को संगत में रहेंगे वैष्णव संगत में माया हमसे दूर रहेगी, माया हमसे दूर रहेगी माया, इसलिए तखन हमारा मायार नफर होए संसार घूरे बिड़ावो, जब हम वैष्णव को संगत से अलग रहते रहेंगे संसार के प्रति भोग वृत्ति आएगी, भोग वृत्ति आएगा तो माया संसार में आबद्ध हो जाएंगे, आबद्ध हो जाएंगे क्या क्या बनेंगे फिर माया की नौकर बन जाओगे, किसका नौकर बन जाओगे माया की नौकर बन जाओगे, माया की नौकर बने क्या करोगे माया के संसार, माया मतलब क्या है जो जो चीज नहीं है वो चीज को है करना वही माया है, हम कहते ना ये माया के संसार, माया के संसार मतलब क्या जगत में कोई किसी का है नहीं, किसी की धर्मशाला का परिचय है, जैसे किसी धर्मशाला में जाकर रात को रुको अलग अलग देश का लोग आते हैं रात को बैठे तू कहाँ से आए तू कहाँ से आए बोले तू कहाँ से कलकत्ता मद्रास बम्बे सबरे होते गए संसार में तुम कौन हो बोले तेरे मित्र बीबी
बोले तू कौन, बोले मेरे पति, बोले तू कौन, तू बोले मेरे बेटा, बोले तू कौन, तू बोले बेटी, ये कुछ नहीं है, सब झूठे, ये सब झूठा है, हम यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये कल गप्पे मार रहे हैं। जिसका समय आएगा ना, अगर पिता माता रहते रहे तो बच्चे का समय आएगा, चलो वहीं से, रुक चाहने पर भी यहाँ से रुक नहीं सकते, तुम्हें यहाँ जाना ही पड़ेगा यहाँ से, हैं, यहाँ के लोग गप्पे मार रहे हैं, तू मेरे, तू मेरे, तू मेरे, इसलिए मैं मेरी तेरी, ये माया है, इसको माया, माया मतलब जो जो चीज नहीं वो इसको, लेकिन जब वैष्णव का संग करेंगे ना फिर क्या होगा, नहीं फिर समझेंगे नहीं, घर किसके है, ठाकुर जी का, भगवान, बच्चे कौन है, ठाकुर ने बच्चे दिया, मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक हूँ, पति कौन, भगवान का सेवक है, हैं, ये घर ठाकुर जी का, रुसे क्यों बना रहे हो, भगवान की भोग लग गई, पैसा क्यों कमा रहे हो, ठाकुर बात, लेकिन ये कब होगा, जब हम भक्तों का, जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों संग से ही, हैं, भक्तों संग से ही बुद्धि आएगी, अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे ना, माया आकर झट हमें निकल जाएगा। देखो एक समय कृष्ण सुदामा जा रहे थे स्नान करने के लिए, कहाँ, समुद्र में, इतने में सुदामा ने कृष्ण को पूछा, बोले कृष्ण मैंने सुना तुम्हारी जो माया है ना सारा दुनिया को नचा रही है, सारा दुनिया को तेरी माया नचा रही है, थोड़ा थोड़ा दिखा दोगे तुम्हारी माया, तो चिंता नहीं समय आएगा तो दिखा दूंगा। अभी दोनों स्नान करने के लिए जा रहे थे और वह समुद्र में जब डुबकी लगाए ना, एक लहरी आई, इसे मारा थप्पड़, झपटा मारा, पूरा कृष्ण से अलग कर दिया सुदामा को, और सुदामा पानी में बहते 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 एकदम डूबते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया ना, देखा एक सुंदर राजमहल है और उसमें एक राज सुंदर एक राजकुमारी हाथ में फूलों की माला लेकर के आई और उसको गला में डाल दिया। बोले सुंदरी तू कौन हो, बोले ये राजमहल का मैं राजकुमारी हूँ, ऐसे तुम मेरे पति, हमें तेरी पत्नी हूँ। बस उनको लेकर घर में गए, बड़े आनंद में रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उनको कुछ बच्चे भी हो गए। एक दिन ना सुनामी आ गया, सुनामी, इतना सुनामी, इतने पानी पानी आया, बस देखते देखते उसको जो बच्चे थे ना, एक एक डूब रहे थे, कोशिश कर रहा था बचाने के लिए, किसको बचा नहीं पा रहा था। जब एक एक बच्चा डूब कर मर रहे थे ना, उसको छाती फट रहा था, बच्चों के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है, फट रहा था छाती, किसी बच्चे को रखा नहीं कर पाए, सब उसको ठाप डूब कर मर गए। फिर लास्ट में कोशिश की अपना प्राण से प्यारी पत्नी को बचाने के लिए, फिर खुद ही नहीं बच पा रहा था, हाँ इसे पानी देखते देखते उसको पत्नी भी डूब गई, देख कर ना उसको इतने घबराहट हो रहा था, मेरे पूरा परिवार समाप्त। इतने में देखा पानी का झपटा कर फिर मारा मारा तो पता नहीं वो कहां से चला गया, खुद ही बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, अभी कृष्ण सुदामा डुबकी लगाए थे, फिर धीरे पानी से उतरे, जो पानी से उतर ना सुदामा तो ऐसे कांप रहा था। कृष्ण ने कहा क्या भैया तू कांप रहे तू, वो तो अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले क्यों, बोले आ रहे थे तो आए थे तो स्नान करने के लिए, अभी उसने डुबकी लगाया, अरे डुबकी लगा थी इतने सारे काम हो गया, शादी हो गई राजकुमार से, बच्चे हो गए, बच्चे मर भी गए, केवल डुबकी लगाई और उठते उठते इतने सारे काम हो गया। वो तो एक तक कृष्ण के साथ में आए थे, फिर दूसरे एक सीन, दूसरे सीन देखा, वो जो सीन था बड़ा भयावह सीन था। कृष्ण देखा सुदामा क्या तू काम रहे हैं तू, कृष्ण क्या है, हम तो गुरुकुल से स्नान करने के लिए आए थे, ये सब क्या है, तू काम रहे क्यों। बोले पता नहीं मैं तो कहीं चला गया था, मेरी शादी हो गई थी और बच्चे हो गए थे और सुनामी सब बच्चे खत्म हो गए, हम तो बड़े भयानक विचित्र चीज देखा। कृष्ण ने कहा सुदामा तू मेरे को बताया था ना माया देखने के लिए, तो बताया ना तुम्हारे संसार बड़ा विचित्र माया है, थोड़ा मेरे को माया दिखा दो, एक डुबकी लगा कर उठाते ही तुम्हारी सब कुछ हो गया, सब कुछ तुम्हारी सब कुछ हो गया है। कहते इसको कहते हैं माया, माया मतलब है जो जो चीज नहीं, माँ मतलब होता है नहीं, या मतलब जो जिसको तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं है, जिसको तुम अपना कह रहे हो अपना नहीं, इसको कहते हैं माया, हाँ यही माया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तखन हमारा मायार नफर है संसार घुर बिड़ाबो, मतलब क्या है, संसार में कोई किसका है नहीं, झूठा संसार है। अगर वैष्णव का संग नहीं होगा ना, बस माया की नौकर नौकर बन करके बस संसार में घूमते रहोगे।
इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं बोले किसे रा संसार ये छाया बाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दिन जाय। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते मतलब क्या है बोले किसे रे संसार ये छाया बाजी प्राय बोले भैया किसका ही संसार ये छाया मतलब इसे होता ना छाया परछाई होता है छाया होता है ये छायाबाजी प्राय ये झूठा है यहाँ ते ममता करी वृथा दिन जाए इसमें हम अपना ममता करके हमारे जीवन वृथा दिन जाए हमारे जीवन बेकार जा रहे हैं है? बोले ए देह पता न होले किरबे अमार केह सुख नाही देवे पुत्र परिवार। अरे जिसको अपना 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 कह रहे हो ना जब ये शरीर छूटेगा सब ये पड़ी रह जाएगा कोई तेरे को सुख देने वाले नहीं अकेले आए और अकेले संसार से जाओ हैं। इसलिए भक्त मोहन ठाकुर कहते हैं बोले ए धन जौवन पुत्र परिजन कीते जियाचे पर कामाल जल जल जीवन टल मल आ जाऊं हरि हर निधि। वो उदाहरण देते हैं जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो ना इसे पानी ढको किस समय गिर सकती है ये जीवन ठीक वैसे ही कब समय ऊपर से समय आ जाएगा ना कोई नहीं बोल सकते ऊपर इसका कब गुलाब आ जाएगा है। कोई विश्वास है क्या कब क्या खत्म हो जाएगा कोई विश्वास है आत बात ए दिन जामिनी जागिरे विफल से कृपणा दुराजना छपल सुखल होना भक्तिमय ठाकुर कहते हैं है ए धन जौवन पुत्र परिजन आछे पर कहते सीत आत बात बरसना ए दिन जामिनी जागिरी हम कितने संसार के लिए परिश्रम करते हैं ठंडा सहन करके गर्मी सहन करके हवा बतास सहन करके हम कितने कष्ट करते संसार के लिए हैं बात ए दिन पीपल से बिनु कृपण दुर्जन वो कह रहे हैं हम तो कृपण दुर्जन मतलब क्या है कभी जो पुत्र परिवार सबके सब दिख रहे ना वो बड़े स्वार्थी है कह रहे ये बड़े स्वार्थी है तुमको ऊपर से देख रहे भैया कितना प्रेम करते हैं भैया कोई किसको प्रेम नहीं करते हैं अभी तुम्हारे शरीर में चुके कुछ ताकत है हैं तुम उनकी सेवा कर रहे हो इसलिए तुम्हें प्रेम कर रहे हैं सेवा करना बंद कर दो तुम्हारा पूछना बंद कर देंगे कर रहे थे ना कल जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं गन्ने एक बार दे दिया लेकिन दो बार जूस है दो बार करके दे दिया बोले जूस है चार बार करके दे दिया बोले जूस आठ बार कर जब तक तो जूस नहीं निकलेगा ना उसको छोड़ेगा नहीं फूस नहीं आज जब उसको जो खत्म हो गया ना उसको फेंक देगा फेंकेगा नहीं फिर जला कर रोटी बनाए जला करके रोटी बनाए इसलिए कह दीजिए संसार है ना ये स्वार्थ का संसार है वो दिख रहा है ऊपर में बड़ी प्यारी पहन क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर में कोई ताकत है अभी तुम्हारे जूस है ना चूसने का है अभी इसलिए जो खो जाएगा बस बूढ़े जो बन जाए खास्ते रहोगे कोई पूछेगा नहीं था बुलाने पर भी कोई तुम्हारे पास में नहीं जाएगा इसलिए लेकिन जो वैष्णव का संग करेंगे संतों का संग करेंगे वो हमें ये चीज को समझा देंगे भैया प्रेम कर ठाकुर जी करो संसार से करो प्रभुपाद कह रहे थे ना तब भी संसार के लिए करो जब वो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं बच्चे पुत्र परिवार भजन कर रहे हैं उनके लिए अगर तुम टाइम दो तब तो सार्थकता है जो अगर भगवान की भक्ति भक्ति कुछ कर ही नहीं रहे तुम दिन भर उनके लिए सब करते करते जा रहे लास्ट यूजलेस जीरो है तभी करो वो अगर प्रभु का भक्ति कर रहे हैं अगर जो भक्ति प्रभु का कर रहे हैं उनका सेवा मतलब वैष्णव सेवा है भक्तों का सेवा है इसलिए तभी करो जब ये पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लगे हुए हो प्रभु के भजन कर रहे हैं तब उनके लिए करना सार्थकता उनके लिए करने का ठीक है बहुत ब्रह्मानंद इसलिए आप लोग चले जाओ फिर आप खाओ करना पड़ेगा जब बच्चों को सीखने आते हो क्या अभी चलिए जाओ प्रा प्रा प्रा
सा,